क्या आपको ये पता है कि कितने कितने मार्क्स के क्या क्या रहते हैं? देखो, इसमें मेंस में 100 मार्क्स का सिविल लॉ का पेपर रहता है, 100 मार्क्स का क्रिमिनल लॉ का पेपर रहता है, 50 मार्क्स का इंग्लिश रहती है, और 50 मार्क्स की हिंदी की रहती है। इनमें दोनों में एसेज आते हैं, यही ऐसे ही पूछे जाएंगे, ऐसे का ही पेपर है। हिंदी का 50 मार्क्स का तीन तीन ऐसे लिखाने आते हैं। तीन छोटे ऐसे इसमें आएंगे, 3 और 3, सिर्फ ऐसे के ही हैं। कोई ग्रामर नहीं आती, कोई समास उपसर्ग प्रत्यय नहीं आते, वो सिर्फ प्री में आ जाते हैं। मेंस में इसमें से कुछ नहीं आता। तो 100 100 मार्क्स का पेपर आता है। देखो, अब जैसे सिविल लॉ का पेपर है, सिविल लॉ का पेपर है, तो सिविल लॉ में जो इनके जो एक्ट्स हैं, तो एक तो जैसे सीपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, टीपीए है, स्पेसिफिक है। तो इसमें से ये मेन मेन सब्जेक्ट हैं, इतने ही पेपर में करीब करीब 60 मार्क्स का पेपर इसी से आता है। कितने? 60 का सिविल में, और 40 मार्क्स में फिर हमारे माइनर माइनर्स आ जाते हैं, माइनर लॉ, छोटे छोटे जो कानून है हमारे, वो आ जाते हैं। 60 मार्क्स का इसी में से आता है। ऐसे ही क्रिमिनल लॉ का है, तो क्रिमिनल लॉ में अभी तो सीआरपीसी है, नया एक्ट आ जाएगा 1 जुलाई से, लेकिन चूंकि 4 जून को पता नहीं सरकार कौन सी आएगी, मोदी जी दोबारा आ गए तो ये 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे, राहुल गांधी आ गए तो ये लागू नहीं होंगे। फिर वो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस, क्योंकि वो अपने कई भाषणों में बोल चुके हैं कि जिस दिन बहुत सारे सांसदों को निकाल कर ये पास कराए थे बिल, वो सब बिल रिव्यू होंगे। तो अभी कुछ कह नहीं सकते। वैसे मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अभी तो मना कर दिया उन्होंने, 400 पार का नारा बंद कर दिया है, लेकिन सरकार का पता नहीं चलता कि आएगी कि नहीं आएगी, उससे हमारे को कोई असर नहीं पड़ता। तो नए आएंगे, फिर हमारे को ये डिपेंड करता है कि ये जो नए कानून हैं इनसे एग्जाम कंडक्ट कराएंगे या पुराने से कराएंगे। अभी आरजेएस हो रहा है, तो आरजेएस पुराने एग्जाम पुराने पैटर्न पर ही हो रहा है, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस ही हो रहा है, एपीओ हो रहा है तो एपीओ भी पुराने से ही हो रहा है। अब चूंकि ये भी संभव है कि नए पुराने का कोई कॉम्बिनेशन बनाए कि इतना परसेंट आप नया पढ़ लो इतना पुराना पढ़ लो, तो इसके बारे में हमें 4 जून के बाद ही पता लगेगा। 4 जून के बाद स्थितियां क्या बनती हैं, ठीक है ना? तो अभी हम जैसे कर रहे हैं सीआरपीसी एविडेंस, एविडेंस यहां भी आता है, एविडेंस यहाँ भी आता है, सिविल में भी आता है, दोनों में आता है एविडेंस। हाँ, दोनों में आता है। एक ये एकमात्र एक्ट है जो दोनों तरफ आता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। एविडेंस, आईपीसी, इनसे 50% पेपर आता है, और फिर माइनर, और इसके बाद
मान रहे हैं। बहुत सारे, जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ना, इस तरह के छोटे छोटे एक्ट हैं, वो सारा सिलेबस है आपका, ले लो। तो इनसे इतना आता है पेपर, 50, बल्कि ये भी कह सकते हैं करीब करीब यहाँ 60 भी, क्योंकि ये एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये वाला पार्ट ही सबसे ज्यादा काम आएगा। शुरुआती दौर में यही सबसे ज्यादा काम आएगा, यही केसेस उन्हें डील करने को मिलेंगे। अब इनमें भी क्या स्थिति है, जैसे इसमें भी डिवाइड करें 60 मार्क्स, तो करीब 20 से 25 नंबर की सीआरपीसी आती है, एविडेंस 15 से 20 नंबर का आता है, आईपीसी 20 नंबर से 25 नंबर तक आ सकती है, तो ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसे ही यहां सीपीसी 20 से 25 नंबर तक आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन में 10 से 15 नंबर का आएगा, कॉन्ट्रैक्ट 10 से 12 नंबर का, टीपी 8 से 7 नंबर का, स्पेसिफिक 8 से 7 नंबर का, इस तरह यहां भी ये स्थिति रहती है। अब बात आती है कि इनमें मार्क्स कैसे कैसे ला सकते हैं। मान लो आपकी हिंदी कमजोर है या इंग्लिश कमजोर है, तो आपको तो नंबर लाने ना। यदि आप यहां करीब करीब 70% स्कोर कर देते हैं, और 70% ही क्रिमिनल लॉ के पेपर में कर देते हैं, तो आपके पास कितने परसेंट, कितने नंबर हो गए, 140, कितने हो गए, 140 मार्क्स पहले ही आ गए आपके पास, जो संभव है 70% मार्क्स। फिर आपका जो ऐसे वाला पार्ट है, तो ये 50 नंबर का है, मान लो आप इंग्लिश कमजोर है, तो हम मान लेते हैं कि इंग्लिश कमजोर है, तो मान लो इसमें 10 ही आए, कितने, 50 में से 10 नंबर आए जो जिनकी इंग्लिश कमजोर है, तो हमने 10 प्लस और कर दिए। और हिंदी, जिसकी इंग्लिश कमजोर है उसकी हिंदी ठीक होगी, तो हिंदी में मान लो 20 आ गए, तो 20 और यहां कर दिए, कितने नंबर हो गए, 170 हो गए। 170 होने वाला स्टूडेंट पास अच्छे स्कोर के साथ, 35 मार्क्स का इंटरव्यू मैंने डाल लगाया नहीं, इस इतने में ही पास हो जाए, 335 नंबर, हाँ 335। मान लो जिसकी हिंदी कमजोर है, इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो उल्टा कर लो, इंग्लिश में मान लो यहाँ 20-25 लेके आ रहा है, और हिंदी में यहाँ वो 10 भी ले आया, तो भी करीब करीब तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। लॉ में उसके नंबर 70-70 इजीली लाए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई कारण नहीं जब नहीं आएंगे। अब आप लोग कल से, ये मैंने आज कुछ बातें बताई आपको, ये जनरल बातें थी, जो मान लो आज कोई स्टूडेंट नहीं आया है, तो यदि वो कल भी आता है, तो वो वीडियो देख के इसलिए रिकॉर्ड करा ली, वीडियो